नमस्कार रुका, आप देख रहे हैं न्यूज 21 खबर। राजधानी जयपुर के बगरू से है, जहां क्षेत्र के प्रताप नगर में एशिया के सबसे बड़े कोचिंग में एक ऐसी बानगी सामने आई है जिसने प्रशासन की पोल खोल दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक तरफ जहां पूरे देश में प्रदेश में पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधा माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है ताकि पर्यावरण को हरा भरा किया जा सके, दूसरी तरफ सबसे बड़े कोचिंग हब में ठेकेदार व प्रशासनिक अधिकारियों बड़ी लापरवाही की वजह से लाखों रुपए की कीमत के पेड़ सूखे पड़े हैं। सावन के पवित्र महीने में राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क पेड़ वितरण किए जा रहे हैं और कोचिंग हब में सूख रहे पेड़ों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे में किस प्रकार से हम पर्यावरण को बचाएंगे, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि प्रशासन द्वारा पहले जब कोचिंग हम का निर्माण हुआ था तो इसके एंट्रेंस पर लाखों रुपए की, जो कि लगभग एक पेड़ की कीमत 25 से 30 हजार रुपए थी, वो लगाई गई थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही कहें या इनके अधिकारियों की मिलीभगत, उनकी वजह से ये पेड़ इतने सूखे जा रहे हैं। मैम, जब मैं वहां पहुंच करके जब मैंने बात भी करी तो ना तो मुझसे ठेकेदार ने बात करी, ना ही वहां अधिकारी कुछ मुझे मिले। जी, तो जो विजय, ये जो है कि बगरू में एशिया का सबसे बड़ा कोचिंग हब है, ये क्या कहेंगे इस पर सर? ये एशिया का सबसे बड़ा कोचिंग हब बिल्कुल, है बिल्कुल पिछली सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। और आपको बता दूं, इस समय यहाँ पर बड़ी बड़ी कोचिंग है जो पूरे राजस्थान के पूरे भारतवर्ष में फेमस है, वो सब आ रही हैं यहाँ पर और शिफ्ट होने वाली है, लेकिन उसकी हालात पहले से ही ऐसे बने जा रहे हैं जी। और एशिया का नहीं, अभी तो अगर कहा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा कोचिंग अब कहलाया जाएगा ये जी। तो देखिए, जहाँ यहाँ पर इतने सारे पेड़ सूखे पड़े हैं, क्या लागत से है ये पेड़ सारे, क्या कीमत होगी इन पेड़ों की? लगभग इसके अंदर जो कहा गया था पहले कोटेशन के आधार पर, एक पेड़ की कीमत 70 हजार से लेकर के 1 लाख से लेकर के 15 हजार 20 हजार रुपए की कॉस्ट के ये पेड़ हैं जी। जिसमें जो ये पेड़ सूखे गए हैं, इनकी कीमत ना करते भी 25 हजार रुपए की एक पेड़ की कीमत लगाई गई है कोटेशन के अंदर। जी जी, तो देखिए, जो ये ठेकेदार व अधिकारियों की जो ये मिली भगत है, जो लापरवाही ये सामने आया है, जो इस पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया या प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पे, वो तो आपके सामने है। देखने के लिए देख सकते हैं आप कि बिल्कुल सूखे पड़े हैं। क्या अधिकारी वहां रोज नहीं आते या क्या ठेकेदार वहां नहीं आता? लेकिन जब तक कहते हैं ना कि मिलीभगत नहीं हो तो वो जी, तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मिलीभगत होगी ही तो ऐसे ही काम होंगे, और मिलीभगत नहीं होकर अच्छा काम होगा तो आज शायद ये पेड़ जो है हरे भरे होते। एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि एशिया की सबसे बड़ा ये हब है तो यहाँ क्या प्रशासन अपनी निगरानी नहीं रखता है या क्या सिर्फ अधिकारियों के ऊपर ही ये सारी चीजें हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा आपने कि अधिकारी आते हैं लेकिन हाजिरी रजिस्ट्री में हाजिरी करके चले जाते हैं जी। और सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर एक सिक्योरिटी एजेंसी है जो दो गार्ड की नियुक्ति वहां पर करती है जी। इसके अलावा कोई नहीं है, कौन आता है कौन जाता है उसकी कोई एंट्री नहीं है जी। तो ये कितने वक्त से ऐसे ही सूखे पड़े हैं ये पेड़? मैम, सावन का महीना था क्या? सावन के महीने से भी अगर कोई ऐसी बात होती ये सूखते नहीं, लेकिन जहाँ बारिश का एक तरफ तो मौसम है, उससे पहले से ये पेड़ सूखे जा पड़े हैं। और कई बार ऐसे कीमती पेड़ थे जो चोरी भी हो चुके हैं यहाँ जी। जी, देखिए कि एशिया की सबसे बड़ा ये हब है जहाँ पे ये इतने सुंदर सुंदर पेड़ यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कीमतों की लागत से लाए गए हैं और उसके बाद भी इनकी देखरेख नहीं हो रही है। मनोहर सिंह, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? मामले को तो यही कहूंगा कि बिना मिली भगत के कुछ नहीं हो सकता, और ये अधिकारियों की लापरवाही है और अधिकारियों की ही मिली भगत की वजह से ये काम हुए हैं, वरना अधिकारी चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये थे हमारे संवाददाता विजय। आपको बता दे कि ये जो खबर है ये जयपुर के बगरू से थी, जहां पर क्षेत्र के प्रताप नगर में एशिया के सबसे बड़े
कोचिंग में एक ऐसी बानगी जो है वो सामने आई है, शर्मसार करने वाली ये जो हरकत है वो सामने आई है अधिकारियों की तरफ से। आपको बता दें कि जहां पर पूरे देश में प्रदेश में पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधा माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आपको दिखा सकते हैं हमने आपने ये वीडियो भी जहां देखा कि इतनी ज्यादा महंगे महंगे लागत से लाए गए ये पौधे कैसे सूखे पड़े हैं और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों और ये जो सभी जो अधिकारी हैं इनकी ये बड़ी लापरवाही देखिए ये सामने आई है। और आपको बता दें कि सावन के पवित्र महीने में राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क पेड़ वितरण तो किए जा रहे हैं और कोचिंग हब में सूख रहे पेड़ों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। इस खबर पर फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।